तो गाइस जैसे कि आप सबको पता होगा कि जो रॉयल पास है इसका जो मतलब जो यूसी लगता है रॉयल पास लेने के लिए नया सीजन में वो पूरी तरीके से मतलब कम हो गया है, ठीक है, मतलब आधा हो चुका है बोल सकते हैं। 360 इसमें आपको रॉयल पास मिल रहा है और इसी के लिए जो है बहुत सारे नया प्लेयर जो अभी अभी आया है और जो कि नया BGMI को इंस्टॉल किया है उन लोग भी क्या कर रहे हैं मतलब 360 ईसी से ही जो है रॉयल पास खरीद लिया, लेकिन उनका जो है रॉयल पास मिशन वो लोग कंप्लीट नहीं कर सकते, मतलब नहीं कर पा रहा है, उनको समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि उन्होंने पहली बार तो ले लिया कम पैसा देके ले लिया, ठीक है, तो उनको पता नहीं है कि कहां पर जाके रॉयल पास को मिशन को कंप्लीट करना है, क्या होता है क्या नहीं होता है। तो उसके बारे में एक छोटा सा वीडियो मैंने सोचा एक बना दिया जाए क्योंकि मेरा भी बहुत सारे लोगों ने रॉयल पास को खरीद लिया लेकिन उनको जो है पता नहीं है कि कैसे कैसे कंप्लीट करना है, बस वो मिशन देख के ही कंप्लीट करता है, लेकिन मिशन के अलावा भी बहुत सारा पॉइंट्स आप कलेक्ट कर सकते हो रॉयल पास की मिशन वाले सेक्शन के बाहर भी आपको बहुत सारा ऑप्शन ऐसे मिल जाएगा जहां से आप RP का मिशन जो है वो मतलब कलेक्ट करके उसको कंप्लीट कर सकते हो और जल्दी से जल्दी 50 RP कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, मैं छोटी सी वीडियो में आपको समझा दूंगा कि आपको क्या क्या कैसे कैसे करना है, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि आपको रॉयल पास कंप्लीट करने के लिए आपको मिशन तो कंप्लीट करना ही होगा, तो आप देख सकते हो अभी इस फिलहाल सभी का जो है लेवल 2 चल रहा है, जो 3-4 बार मतलब रॉयल पास लिया उनका ही लेवल 3 अनलॉक हुआ, ठीक है। तो ये सब देख के तो सब लोग मतलब कंप्लीट कर सकते हैं, इसको पढ़ पढ़ के तो सब लोग ही मतलब कंप्लीट कर देगा, ठीक है। तो लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारा पॉइंट आपको मिल सकता है, जैसे कि आप ये लेफ्ट साइड में देख सकते हो इधर एक बार दिया हुआ है, तो इसको भी आपको जो है कलेक्ट करना होगा। ये हो सकता है कि आप अगर कम खेलते हो तो आपको नहीं होगा और अपने आप हो जाता है तो आप कभी ध्यान नहीं दिए होंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो इधर मेरा 900 पॉइंट हो गया, तो पॉइंट नहीं होता है बेसिकली, आप ऊपर देख सकते हो लिखा हुआ है कि आपको टोटल जो है 1500 मिनट आपको जो है खेलना होगा, ठीक है, गेम को आपको 1500 मिनट खेलना होगा, ठीक है। हर वीक आपको 550 करके मिनट मतलब खेलना होगा, ठीक है, 550 मिनट आपको हर वीक खेलना होगा। तो आप देख सकते हो नीचे लिखा हुआ भी होता है दिस वीक 371 मेरा मिनट जो है मतलब मैं खेल चुका हूँ, ठीक है, मुझे करना है 550, ठीक है, 550 जैसे ही मिनट मैं कंप्लीट कर लूँगा तो मुझे मेरा जो है मतलब ऐसे करके मैं अगर करता रहूँगा तो मेरा जो है पूरा मेरे को लास्ट तक जो 70 RP है तो मुझे ये भी आपको मतलब मिल जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो मेरा टोटल 921 मिनट हुआ है 1500 मिनट में से, और इस वीक आप इधर भी पढ़ सकते हो कि ये वीक अभी 3 दिन बचा है, ठीक है, मतलब 3 दिन में मेरे को अभी बेस मेरा 371 हुआ है, तो इसको मुझे 3 दिन में मेरे को 550 करवाना है। जैसे ही मैं कर दूंगा तो मेरा जो ये जो 70 करके जो RP पॉइंट है ये मेरा बढ़ता चला जाएगा। आप देख सकते हो मेरा 900 मिनट जो है कल ही पूरा हो गया था, तो इसके लिए मुझे 70 RP मिल गया, ठीक है, RP पॉइंट जो होता है। उसके बाद मैं जैसे ही 1000 करूंगा तो 1000 के लिए भी मुझे 70 पॉइंट मिल जाएगा, फिर से 1100 पे 70 मिल जाएगा, जो है 1200 भी मुझे 70 मिल जाएगा। तो ऐसे करके जो है RP इधर से भी आप कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, बहुत ही इजीली आप कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इसके अलावा भी आपको और एक चीज़ मैं दिखाता हूँ, इधर से भी जो है आप जो है रॉयल पास को मतलब RP पॉइंट को कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इसके बारे में तो आपको पता होगा कि जैसे ही आप गेम को लॉगिन करते हो उसके लिए आपको जो है 10 RP पॉइंट आपको मिल जाएगा हर रोज, ठीक है, 10 RP पॉइंट आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आप इधर भी देख सकते हो, अगर आप वीकली एक्टिविटी को अगर कंप्लीट करते हो इसमें भी आपको रॉयल पास की जो पॉइंट होता है वो मिलेगा, समझ रहे हो। तो इसमें आप देख सकते हो पहले अगर 100 करते हो तो आपको कुछ 2 RP पॉइंट मिलेगा, उसके बाद आपका पॉइंट अगर 140 हो गया तो आपको 30 मिलेगा, उसके बाद 260 हो गया तो 50 मिलेगा, 320 हो गया तो आपको 60 मिल जाएगा। तो मेरा भी अभी आप देख सकते हो मेरा 60 कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो ऐसे करके आप मिशन में जाके भी जो है इसको कंप्लीट कर सकते हो, और ये जो पॉइंट है ये आप कहाँ से ले सकते हो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इधर जो मिशन दिया हुआ है आप मैं इस वाले मिशन को जो है एग्जांपल के तौर पर लेता हूँ, पिक अप SMG इन 1 क्लासिकल मैच, तो आपको क्लासिकल मोड लगाना है, उसमें आपको कोई भी SMG उठा लेना है, UG हो, UMP हो, टॉमिकन हो, कोई भी आपको एक बार उठाना है, बस उठा के उसको चलाओगे नहीं चलाओगे आपकी मर्जी है, आप फेंक दो, बस उठाना है। उठा के आपको क्या मिलेगा, ये जो आपको स्टार आइकॉन के दिख रहा होगा तो इधर आपको 20-20 करके लिखा हुआ है, आप देख सकते हो हर मैच में मतलब हर जो आपको जो चैलेंज दिया हुआ है सब में आपको 20-20 करके पॉइंट मिलेगा। ये जो 20-20 पॉइंट होता है ये 20-20 को जोड़ के इधर जो पॉइंट आप देख सकते हो ये होता है, ठीक है। और ये जो पॉइंट है ये हर वीक बदलता है, मतलब इस वीक 3 दिन बाकी है, तो आपको मैंने मतलब पहले ही बता दिया कि 3 दिन बचा हुआ है, 3 दिन के बाद ये मिशन मतलब पूरी तरीके से हट जाएगा, पहले आबार फिर से जो है फिर से 60 से आपका चालू हो जाएगा।
तो इसीलिए आपको हर वीक आपको ये सब मिशन जो है कंप्लीट करना जरूरी है, ठीक है। आप जरूर इसको इसको भी एक बार पढ़ ले और इसको भी कंप्लीट कर ले, क्योंकि ये जो आपको मिशन है ये आपको रोजाना मिलेगा अपडेटेड होकर, ठीक है। आज ये मिला तो कल आपको ऐसे नहीं मिलेगा, कल आपको कुछ और मिलेगा, ठीक है। तो इसको आप जैसे ही आप कंप्लीट कर लोगे तो आपको इजीली जो है रॉयल पास का जो पॉइंट है वो मिल जाएगा, और आप इजीली जो है 30 आप जो है 50 आरपी कर सकते हो, आप ये कपड़ा वगैरह का भी ले सकते हो, और जो यूसी भी आपका खर्चा हुआ है वो भी आप बहुत आसानी से मतलब ले सकते हो, ठीक है। तो गाइस आज की इस वाले वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना यार, कहा जाता है, और अगर चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।